एवरीवन अस्सलामु अलैकुम अपना सबाई के हमार चैनल एफआर ब्लॉग्स स्वागत जानाच्छी और आज के अपन नहीं एसेछी पिज्जा रेसिपी पिज्जाटा आमी गैसेर चुलाय कड़ाईते करे बिना ओवने किभाबे तैरी करेछी आपनादेरके देखिए देव चलुन भिडियोटा शुरू करी। पिज्जाटा बनानोर जोन्नो सबार प्रथमे आमी एक कप मयदा दिए दिएछी, स्वादमतो लवण दिएछी और वन टीस्पून ड्राई ईस्ट दिए दिए टू टी स्पून चीनी दिए एबारे कुसुम गरम दूध दिए डोटा मेखे नेब। आपनारा दूधर परिवर्ते कुसुम गरम पानी नीते पारें। पानी दिए जदि डोटा करें ताहले एखाने आपनारा टू टी स्पून पाउडार दूध दिए दिवें ताहले एर स्वादटा बेड़े जाबे। दूधटा आमी अल्प अल्प करे दिए डोटा आमी मेखे नियेछी, एकटू स्टिकी भाव एसेछे किन्तु आस्ते आस्ते कमे जाबे। एबार आमी मेखे तारपरे उपरे आमी अल्प रिफाइन तेल दिए हाते निये एटा आबारो भालोभाबे मेखे निच्छी आर एबार स्टिकी भावटा एकेबारे कमे गियेछे। एबार उपरे दिके आमी तेल एकटू मेखे तारपर आमी एटाके ढेके रेखे देब आधा घंटार जोन्नो। एदिके आमी पिज्जार जोन्नो चिकेनटा रेडी करे निच्छी, जेहेतु आमी चिकेन पिज्जा बानाबो तार जोन्नो एखाने एक कप परिमाण चिकेन आमी छोटो छोटो टुकरो करे केटे नियेछी। निये एखाने आमी हाफ चा चामच कालो गोलमरिचेर गुड़ो दिए दिएछी, एक चा चामच परिमाण आदा रसुन बाटा, स्वादमतो लवण और एक चा चामच परिमाण टमेटो सस दिए दिएछी और सामान्य एकटु सया सस दिएछी। सया ससटा आमी कम दिएछी कारण सया ससे लवण थाके और बेशी परिमाणे दिए दिले एर स्वादटा नष्ट हो जाबे। दिए आमी एक चा चामच परिमाण लेबुर रस दिए दिएछी, एकटु मिशिए निच्छी। मिशिए तारपरे एखाने हाफ चा चामचेर थेकेओ कम आमी लाल मरिचेर गुड़ो दिए दिएछी। दिए ए सब किछुई आमी भालोभाबे मिशिए निच्छी। चिकेनटार साथे सब किछु मिशिए निये आमी 10 मिनिटेर जोन्नो रेखे दिएछी। 10 मिनिट परे फिरे आसलाम। गैसे एक पैन बसिए एखाने आमी सरिषार तेल दिए दिएछी और जे चिकेनटा आमी मेरिनेट करे रेखेछिलाम चिकेनटा एबार पैने दिए एटाके भालोभाबे भेजे निब। आस्ते आस्ते करे नाड़াচাড়া करे चिकेनटाके भालोभाबे सिद्ध करे निब। एतो आमार चिकेनटा सिद्ध होये गेछे, आमी गैसटा बंद करे दिएछी। एबार आमी आधा घंटा आगे जे मयदार डोटा ढेके रेखेछिलाम एटा एखन देखेन फुले डबल हो गए। एर भर बतासटा बेर आबारो एक मथे नेब। ये एक समय मथे नीते होबे। तो डोटा आमार मथे नेवा प्राय होए गेछे। एबार आमी एकटा रुटिर आकार दिए नेब, बड़ो साइजेर एकटा रुटि बेले नेब। एक कप मयदार डो दिए आपनारा चाइले मीडियम साइजेर दुइटा पिज्जार रुटि बनिए नीते पारें, दुइटा पिज्जा तैरि करते पारबें। आमी बड़ो साइजेर एकटा पिज्जाई तैरि करछि। आमार रुटिटा बेले नेवा होये गेछे आर पिज्जाटा आमी एकटा प्लेटेर उपर बसाबो, ताई आमी प्लेटटा निये प्लेटे आमी तेल ब्राश करे नियेछि आर एबार पिज्जार रुटिटा बसिए आस्ते आस्ते करे एकटु चेपे चेपे आर एकटु बड़ो करे निच्छि। आर रुटिटाते आमी एकटा काटा चामचेर साहाज्ये छिद्र छिद्र करे निच्छि माझखाने, ना होले माझखानटा बनेर मतन फुले उठबे। आर चारिपाशे आमी एकटा डिम भेंगे तार कुसुमटा फेटिए निये साइड दिके लागिए दिच्छि। ताहले पिज्जार कालारटा एकदमई ओभेनेर मतन खूब सुंदर एकटा कालार आसबे। डिमेर कुसुमटा लागिए निये एबार आमी पिज्जा सस दिए दिच्छि। पिज्जा ससटा भालोभाबे लागिए निब। एतो आमार पिज्जा सस लागानो होये गेछे। पिज्जा ससटा देवार पर एबार आमी आगे थेके ग्रेट करे रेखेछिलाम चीज, आमी चीजटा दिए दिच्छि। चीज देवार पर आमी किछु कैपसिकाम केटे रेखेछि छोटो छोटो करे, लाल कैपसिकाम और सबुज कैपसिकाम दुई धरनेर कैपसिकाम आमी दिए दिच्छि और साथे दिए दिब प्याज। एबार आमी सब्जीटा दिए तारपर आमी भेजे रखा चिकेन टुकरोगुलो दिए दिच्छि। चिकेनेर टुकरोगुलो दिए एबार माझखान थेके अल्प करे प्याज दिए दिच्छि। ए सबगुलो दिए आबारो ऊपर थेके आमी ग्रेट करे रखा चीज दिए दिच्छि। पिज्जाते सब किछु देवा होये गेछे, एबार आमी पिज्जाटा बेक करब। गैसेर चुलाय एकटा कड़ाई बसिए दिएछि, कड़ाईटा गरम होये गेछे। एकटा स्टैंड बसिए एखाने आमी पिज्जार प्लेटटा बसिए दिएछि आधा घंटार जोन्नो। आर कड़ाईटा एकटु लाल होये गेछे, एटा नतून कड़ाई,
অনেক বড়, এটাতে কোনো কাজ করি না, তার জন্য এমন হয়েছে। আর এই তো দেখুন আধা ঘন্টা পরে আমি ফিরে এসেছি, আর আমি একটা টুথপিক ঢুকিয়ে চেক করে নিচ্ছি। পিৎজাটা আমার পুরোপুরিভাবে বেক হয়ে গেছে, আর কালারটা কত সুন্দর হয়েছে এই দেখুন। ডিমের কুসুমটা দেওয়ার জন্য এত সুন্দর কালার এসেছে, আপনারাও দিয়ে দেখবেন খুব সুন্দর হবে। ঠান্ডা হওয়ার পরে এবার আমি আপনাদেরকে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরটা কেমন হয়েছে। বন্ধুরা, আমার পিৎজাটা কেমন হয়েছে দেখতে আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আমার সাথে থাকবেন। আর এই দেখেন পিৎজাটা ভিতর দিকে কত সুন্দর হয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, আর নিচের সাইডটাও খুব সুন্দর হয়েছে, একদমই পুড়ে যায়নি। তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো রেসিপিতে।